मध्य प्रदेश के नीमच में मोर की चोरी के आरोप में पीट पीट कर एक युवक की जान लेने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस मॉब लिंचिंग की घटना पर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को घेरते हुए असफल सरकार बताया। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग हो या बच्चों के अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं, सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है। यह मध्य प्रदेश की सबसे असफल सरकार है। भार्गव ने कहा कि बीजेपी भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ है, लेकिन कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे असफल और लापरवाह सरकार है। मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, एक सभ्य समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। और मॉब लिंचिंग के हम भी खिलाफ है, हमारी पार्टी भी, प्रधानमंत्री जी भी, सभी लोगों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार है, क्या इनकी पुलिस मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने में टोटली नाकाम है? यह तो मॉब लिंचिंग में भी असफल, रोकने में असफल रही है। और बच्चों की हत्याएं, निर्मम हत्याएं, भून दिया गया उनके लिए, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, 5-5 साल की बच्चियों के साथ, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो सभी मामलों में असफल रही है। कुल मिला के मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे असफल और मैं मान के चलता हूं कि सबसे ज्यादा लापरवाह सरकार। वहीं नीमच और रायसेन में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बारे में जब सूबे के गृह मंत्री बाला बच्चन से मीडिया ने सवाल किया तो बच्चन ये कहकर मामले से बचते नजर आए कि मॉब लिंचिंग पर पहले वो अपडेट लेंगे फिर बोलेंगे। ये आज मेरा हाउस में जवाब देने का आज मेरा समय था। जैसे 11 से 12 बजे जो विधानसभा में प्रश्नोत्तर का जो समय रहता है, मैं अभी जवाब देकर बाहर निकला हूँ। मैं आपने जो बोला है इसको मैं पूरी तरह से इसके अपडेट ले लूँ और उसके बाद मैं बता दूंगा। घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारी ये कोशिश है, हमारे विभाग की कोशिश, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयासों के बावजूद भी अगर घटनाएं घट जाती है, बहुत जल्द हम उनका पर्दाफाश भी करते हैं और उनको हम जेल के शिकंजों में भी पहुंचाते हैं, जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्तियां प्रदेश में न हो, इसको मैं देख के इस पे कार्रवाई कराऊंगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना है, लेकिन इसके बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल देखना होगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कदम कमलनाथ सरकार उठाती है या इस पर ऐसे ही सियासत होती रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।